अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. दिस इज डॉक्टर मनोज बंदवार. और फ्रेंड, आज हम एक केस डिस्कस करेंगे. और ये केस है, पेशेंट को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, लंबर रीजन में प्रॉब्लम है, और लगभग पूरी स्पाइन की प्रॉब्लम है उनको. और वो प्रॉब्लम को लगभग एक साल से है. और बहुत पहले उन्होंने कोई एक्सरे कराया था, तो उसने उनको सर्वाइकल वगैरह डायग्नोज हुआ था. उसके बाद से पेशेंट मेडिसिन कुछ दिन लिया और छोड़ दिया. और जब दर्द बंद हो गया तो उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया. तो इन पेशेंट का फ़ोन मेरे पास रात को तकरीबन 9:30 बजे के आसपास आया कि डॉक्टर साहब, बहुत मुझे पेन हो रहा है कमर में, आप मिल जाएंगे मुझे? तो मैंने कहा कि हाँ, आप आइए, देखता हूँ मैं आपको. पेशेंट आया मेरे पास और बोले कि डॉक्टर साहब, मैंने क्या वो बताइए, डॉक्टर साहब कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे. मैं कब से? बोले अभी बस कुछ थोड़ी देर पहले से ही. तो मैंने कहा कि फिर? तो साथ वाले बोला, डॉक्टर साहब दिन से पेन हो रहा है इसको, ये पेन इनको दिन से हो रहा है. और मैंने कहा, दिन में क्या किया आपने? बोले, डॉक्टर साहब दिन में तो मैं वो हमेशा एक फिक्स गोली है वो ले ली मैंने और काम में लग गया. तो फिर उस वक्त तक ध्यान नहीं रहा मुझे, और अभी कुछ ज़्यादा बढ़ गया है मुझे ये. तो मैंने कहा कि बोले कि सर हर बार इतना नहीं होता है, इस बार कुछ ज़्यादा ही दर्द हो गया मुझे. तो मैंने कहा कि कब से है ये प्रॉब्लम आपको? तो बोले सर, यूँ तो कच्चा पक्का सर 1 साल हो गया मुझे इस प्रॉब्लम को. तो मैंने कहा कि 1 साल से आपने क्या किया? तो बोले सर कोई विशेष इलाज नहीं लिया. पहले हमने साल भर पहले एक्सरे वगैरह करवाया था मैंने बैक साइड का, तो उन्होंने मुझे लंबर रीजन में और सर्वाइकल रीजन में ऑस्टियोफाइट बताए थे. तो उन्होंने कहा था कि इसके लिए आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ेगी और कुछ मेडिसिन वगैरह कंटिन्यू और ये सब लेना पड़ेगा. और मुझे 2-3 दिन में आराम पड़ गया, तो सर मैंने बंद कर दी कि अब आराम हो गया तो मेडिसिन नहीं लिया मैंने. तो मैंने कहा कि फिर साल भर कैसे क्या मैनेज करते थे? डॉक्टर साहब इतना दर्द नहीं होता था मुझे, होता था तो मैं एक टेबलेट आती है हमारे पास एलोपैथी में डायनापा जैसी, तो वो गोली ली तो उससे मुझे आराम पड़ जाता था. तो मैंने कभी ट्रीटमेंट लेने का सोचा ही नहीं, एक गोली लेता जरा सी देर में मुझे आराम पड़ जाता. या कभी ऐसा होता तो घर में तो वाइफ को विक्स लगाने के लिए बोलता या ट्यूब वगैरह मंगवा के लगा लेता मैं. तो मैंने कभी इतना, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ये ट्रीटमेंट करने लायक है. मुझे लगता है सामान्य सी प्रॉब्लम है, सबको होती है कमर दर्द, मेरे बैठने से होती होगी जब दिन भर बैठता हूँ, क्योंकि मेरा काम दिन भर बैठने का है बिजनेस लाइन में, उससे होता होगा. तो मैंने इतना लोड नहीं लिया इस बीमारी का. वो क्या लोड इस बीमारी का? कमर दर्द के लिए कौन परेशान होता है सर? तो मैं, फिर आज कैसे क्या प्रॉब्लम हो गई आपको? तो बोले कि सर जनरली तो कम दिन भर होता, पर अभी कुछ ज़्यादा हो गया. और इवनिंग में जब मैं सोया तो मुझसे उठाया भी नहीं. तो फिर मैंने इमीडिएट भाई को कहा कि मुझे उठा और सर को देखा जाए कि सर ऐसा कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ कि इतना दर्द बढ़ गया. और मुझे फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट के लिए भी आना पड़ा कि इतना तेज दर्द हो गया. और मैंने 1 साल तो मुझे कुछ नहीं, बस जेब में मेरे एक मेडिसिन का पत्ता रहता है, जब भी दर्द होता है वो खाता हूँ, थोड़ी देर में आराम हो जाता है. और कभी वीक्स है कुछ ये लगवा के काम चला लेता हूँ. तो मैंने कहा कि हमने इतना पेशेंट का वर्जन सुनकर पेशेंट को मेडिसिन दिया. पेशेंट बहुत प्रॉब्लम में आए थे हमारे पास कि उनको गर्दन ऐसी भी नहीं घूम रही थी उनकी, और सीधे बैठने में और बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो स्टिफनेस काफ़ी आ गई थी उनको दर्द की वजह से. ऐसे कई ऐसे केसेस हैं जिसमें कि ऐसे बहुत ही मिरेकुलस रिजल्ट आते हैं. और इस पेशेंट को 200 का एक डोज जैसे ही पड़ा, थोड़ी देर में सारी स्टिफनेस चली गई और पेशेंट खुद इतना एस्टोनिश हो गया कि सर बस मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा कि इसे दर्द गया कहाँ पर, पूरा दर्द मेरा कमर वगैरह सारी बहुत हल्की हो गई है. इतना तो मुझे जेल वगैरह लगाने के बाद भी बहुत देर बाद आराम मिलता है, आपकी मेडिसिन काफ़ी आराम, बहुत जल्दी आराम हो गया. तो अगर आप पेशेंट का एग्जैक्ट स्वभाव पकड़ लेते हैं कि वो डिसीज कंडीशन में कैसे अडॉप्ट करता है अपने आप को, तो केस बहुत इजी हो जाते हैं हमारे लिए. इस केस में अडॉप्टेशन पेशेंट का कितना इजी है, जो इस मेडिसिन को जानते हैं वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली प्रिस्क्राइब करते होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आते हैं ऐसे पेशेंट पर. तो सबसे पहले पेशेंट कितना फ्रिवोलस है, 1 साल से प्रॉब्लम है और
और ये सांप सीरियस ही नहीं अपनी प्रॉब्लम को लेकर, ही इज़ नॉट सीरियस अबाउट हिज सिकनेस या इलनेस। ये बहुत ही हल्के में, ये फ्रिवलस से बंदे, ये बिल्कुल लापरवाह बने हुए हैं। एक साल से इनको डायग्नोज हो चुके हैं पहले कि इनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, इनको लंबर रीजन में प्रॉब्लम है, ऑस्टियोफाइट बन चुके हैं। डॉक्टर ने कहा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सर क्या एक्सरसाइज करना, सब नॉर्मल है, छोटी मोटी समस्याएँ चलती रहती हैं, तो कितना लाइट में रहता, उसको झंझट लगता है ये सब करना, एक्सरसाइज वगैरह करना। मतलब कौन ही माथा फोड़ी करे एक्सरसाइज वगैरह, यार सुबह सुबह समय तो मिलता नहीं है। तो ये पेशेंट को ये सब एक्सरसाइज करना वगैरह ये सब झंझट लगता है। ट्रीटमेंट उनको 15 दिन का दिया, साहब ने 14 दिन, 4 दिन खा के बंद कर दिया क्योंकि दर्द ख़त्म हो गया। तो वहाँ पर इनको 15 दिन गोली खाना झंझट लगता है। 4 दिन गोली खाया, ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि 4 दिन, 15 दिन की टेबलेट को 4 दिन खा के वो फुरू हो गए बिल्कुल। बोलते कि सब 4 दिन की गोलियों में आराम पड़ गया, तो 15 दिन का नहीं, क्या मतलब? कितना अच्छा रीज़न दे रहे हैं हमारा, मतलब वो अपनी चीज़ का रीज़न दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, एक तर्कसंगत कारण दे रहे हैं कि भाई 4 दिन में आराम पड़ गया, तो फिर आगे क्या खाने, मतलब पेशेंट कितने लाइट हैं, मतलब मैंने इतना टेंशन नहीं लिया, मैंने लोड नहीं लिया। जो लोग लोड नहीं लेते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं, वो भी एक लाइट डिज़ायर है। इस मेडिसिन का यही लाइट डिज़ायर है कि ये लोड ही नहीं लेते हैं। और ये क्या कर रहे हैं, फ्लाइंग कर रहे हैं, डिल्यूजन फ्लाइंग ही और शी इज़। पेशेंट वीक्स की गोली या दर्द की गोली या मेडिकल से कोई पानी दुकान से जाकर कोई पान खा लेना या कोई ऐसा टेम्प्रेरी उपाय कर लेना, जैसे पुराने कोई हल्दी या नमक मिक्स करके पेट दर्द के लिए खा लेना, ये सब क्या है, बहुत टेम्प्रेरी उपाय हैं। टेम्प्रेरी उपाय कर कर अपने काम पर लग जाना, ये फ्लाइंग है। पहले एक हमारे पास एड आता था कि विक्स मल दो, काम पे चल दो, या विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। तो ये ऐसे टेम्प्रेरी उपाय करके अपने आप को ठीक करने की चाह रखने वाले लोग फ्लाइंग करते हैं अपने आप को, वो छोटे मोटे उपाय करके उड़ जाते हैं। भंवरे किस प्रकार होते हैं ना, कि जैसे भंवरे फूल से अपना रस पीकर उड़ कर चले जाते हैं क्योंकि उनका काम हो गया। तो बस ये डायनापा टेबलेट खाई, दर्द खत्म, खेल खत्म, फिर जब पड़ेगी जब ले लेंगे। तो इनको जब जरूरत पड़ती है तब उन टेम्प्रेरी उपाय को अपनाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। ये डिल्यूजन इमेजिनेशन फ्लाइंग ही और शी इज में थे ये बंदे। और आज हमारे पास क्यों आए, क्योंकि दर्द इनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहले ये इनडिफरेंस में थे, अब ये सेंसिटिवनेस हो गए दर्द को लेकर। इनडिफरेंस अपैथी अल्टरनेटिंग विद सेंसिटिवनेस। तो ये रूब्रिक के साथ में हमने बिल उठा दिया उनको 200 का एक डोज दिया, और कुछ ही मिनट में उनकी पूरी बॉडी की स्टिफनेस हल्की हो गई। हार्डली 2 या 3 महीने के अंदर उनको एक और डोज रिपीट करना पड़ा। जब उनको पेन के पेन थोड़ा सा आया उनको, बाकी कभी जरूरत नहीं पड़ी। और 3 महीने में उन्होंने अभी तक एक भी एनाल्जेसिक नहीं खाया है, वरना वो एनाल्जेसिक जेब में ही लेकर घूमते थे, रखते थे। अब उनको एनाल्जेसिक की कोई जरूरत नहीं पड़ी है, वो पेशेंट पूरी तरह नॉर्मल है। और ऑन द टेबल ही वो 70-80% क्योर हो गए थे, मतलब कि। और उनका एक वीडियो हमने सोशल मीडिया पे डिस्कस भी किया था लर्निंग पर्पज़ से, जहाँ हमने उनकी बिफोर आफ्टर के वीडियो शेयर किए थे। तो ये था सिंपल सा केस बेलाडोना का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और होम्योपैथी का प्रचार करें। थैंक यू।